आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आपकी रेड से एक बहुत ही प्यारी वीडियो, जो आज की वीडियो होने वाली है ना, उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, क्योंकि आज की जो वीडियो है कोई प्रैंक वीडियो नहीं होने वाली यार। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक शूट किया था एक बंदे के साथ, मैं उसे फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन मेरे को एक्चुअल में पता नहीं था वो बंदा देख नहीं सकता। तो यार तब से शूट के बाद हम बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, बहुत क्लोज आ चुके हैं। तो बहुत ही प्यारा दोस्त है वो मेरा। और आपको बता दूँ, उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसका आज बर्थडे है, तो उससे मैंने बोला कि अब वोटा बर्गर में ना उसको ड्रॉप करके चला जाए। तो अब क्या हुआ है कि वो अंदर ही है, तो मैं जा रही हूँ। आज छोटी सी वीडियो है, प्यारी सी वीडियो, कोई प्रैंक वीडियो नहीं है। तो आज मन में था यार बंदे का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो लेट्स सी क्या होता है। वीडियो के रिएक्शन है वो आप खुद देख लेना, बाकी आप लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं उसे। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, तो मिलते हैं वीडियो के बाद। हाय हिमांशु। हेलो। हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया। बढ़िया ना? हाँ, रेड्स नितिन सही से ड्रॉप कर गए थे तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बताया आप आज मुझे से मिलना। हाँ, मैंने उन्हें बोला था कि मुझे ना मिलना है। हाँ। तो इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया था वोटा बर्गर में ड्रॉप कर देंगे तुम्हें। तो कोई ऐसा जरूरी काम तो है कुछ तुम्हारे लिए? हाँ जी। ये बुके है? हाँ। किस लिए? वैसे ही मेरा मन कर रहा था तुम्हें देने का, इसलिए ले आई। मेरे को बुके? हाँ। बुके लड़कियों को दिया जाता है? कुछ नहीं होता है ऐसे, अपनी अपनी सोच होती है। मेरा मन कर रहा था लेके आने का, तो ले आई। अच्छा, मेरे को कुछ पता चला, मैंने तुम्हें पता क्यों बुलाया? डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी यार, बट मेरे को नितिन ने बताया तुम्हारा बर्थडे है आज, क्या ये सही है? अच्छा, उसने बता ही दिया। हाँ, आज मेरा बर्थडे है। तो फिर क्या क्या करना है? सेलिब्रेशन करना है नहीं करना, मतलब किसी के साथ कोई क्लोज फ्रेंड है तुम्हारा कोई? सेलिब्रेशन इन द लाइक फैन, आज आपको पता है आज वर्किंग डेज है, तो हर कोई अपने काम में बिजी है। और मेरा जो सेलिब्रेशन होता था, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप उस दिन मिले थे मेरे को सिटी में, तो मैंने बताया था जो मेरी गर्लफ्रेंड है वही सेलिब्रेट करती थी, बट समहाउ नहीं है। तो ठीक है, सेलिब्रेशन अपने तरीके से चलेगा। मैं नितिन को बोला आज शाम को मैं जल्दी आ जाएगा। अच्छा, तो नितिन सेलिब्रेट करेगा और अपनी दोस्त के साथ निकलना, रेड के साथ जिससे मिलने आए हो? नहीं, रेड के साथ क्यों निकलना, मुझे लग रहा था आपने आज कॉल किया है सडनली, इतने टाइम के बाद आपने मुझे कॉल कर लिया, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है, या उसने बताया होगा। मैंने तो तीन बार पूछा। अच्छा, तो तुमने रेड को बताया तो नहीं है, कोई भी चीज कोई चीज बताई तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे को नहीं बताया, मैंने उसको खुद ही नहीं याद था रात में मेरा बर्थडे है कि नहीं है। पता है, मेरा बहुत मन था कि तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँ तुम्हारा, और तुम्हें तो मैंने बोला ही था ना लास्ट वीडियो से कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे और हमेशा। लास्ट वीडियो में मैंने जो लोगों ने बताया ना कि जैसे कि आप दिखने में बहुत क्यूट हो, तो मैंने कहा अरे यार मेरी आप होती तो शायद मैं ज़रूर देखता आपको। और उसमें वीडियो में मेरे को जो वॉइस सुनाई गई थी, तो उसमें मेरी भी आवाज़ आपने की, तो मुझे लगा था कि आप उस वीडियो को अपलोड नहीं करोगे, आप ऐसे ही बोल के जा रहे हो कि मैं प्रैंकर हूँ, मैं वीडियो कर दूँगी, ये कर दूँगी। नहीं यार, मेरा मन था कि आपने बोला था ना कि मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी क्योंकि आप देख नहीं सकते थे, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई थी अपने मन की फीलिंग से जो आपने मेरे से शेयर की थी। तो मेरे को लगा कि बहुत सारे पब्लिक को ये सब पता लगना चाहिए कि ट्रीट नहीं करना चाहिए आप लोग, मतलब हमारी तरह इंसान ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सब ठीक हो जाएगा। बाकी मोटिवेट रहा करो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त है ना आपके साथ। और आप तो बोल रहे थे कि रेट्स मिलेगी नहीं उससे दोबारा, देखो मैंने मिलने भी बुला लिया नितिन को बोल के। नहीं, मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी, और बाद में जब मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि आपने मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, मुझे लगा यार चलो यार मेरा वीडियो भी लोग अपलोड करते हैं, मुझे उम्मीद एकदम नहीं थी कि आप अपलोड करोगे। और नितिन ने और क्या बताया लड़की यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है सब? ये तो बताया, और यूट्यूब में आप बनाते रहते हो, आपके बहुत लाइक्स हैं, और सबसे बड़ी बात तो उसने मेरे को दो बार बताया कि आप दिखने हो बड़े क्यूट हो यार, देख सकता तो अलग बात होती है। कोई बात नहीं ना, दिखने में क्यूट हो और बहुत ही सुंदर हो, जो मुझे बताया मेरे नितिन ने, बट देख तो नहीं सकता, बट शायद मुझे लगता है आप यहीं पर हो। अरे ये रहा मेरा गाल। ओके, नाइस। अच्छी हूँ मैं, क्यूट हूँ बहुत, अब क्यूट तो लोग बोल रहे हैं, मैं देखना अगर होता तो मैं ज़रूर देख सकता है ना। बाकी मेरी बात चल रही, मैंने आपको बताया था कि आँख के लिए जो ट्रांसप्लांट करने की बात हुई है, होपफुली थोड़ा सा पैसे की है प्रॉब्लम, हो जाएगा सब, क्योंकि फाइनेंशियली फैमिली अगर मैं बात करूँ तो
फैमिली में डैड होते तो शायद जल्दी हो जाता, बट फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो मुझे जो मनी है सेव कर करके मुझे बात कर रहे हैं और मेरे अकाउंट में भी वो ट्रांसफर करते रहते हैं, तो होपफुली अच्छे फ्रेंड्स। बात बोलूँ अगर थोड़ी बहुत तुम्हारी मतलब हेल्प कर पाऊँ तो यार प्लीज़ इतना समझना मुझे दोस्त के नाते कि मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, अभी मैं भी उस लेवल पे नहीं हूँ, बट हाँ जितना हो पाएगा मेरे से पॉसिबिलिटी हो पाएगी मैं करूँगी। रेट जी आप मेरे लिए मेरे को टीवी पे ला के दे रहे हो, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, एंड जरूरत पड़ेगी तो मैं बहुत बेशरम लड़का हूँ, मैं जरूर मांगूंगा। हाँ बेशरम ही तो नहीं हो यार। अच्छा सुनो आपका बर्थडे है तो सेलिब्रेट करें। तो सेलिब्रेट करने के लिए आप मुझे, तो मैं तो समझ गया था आप मुझे बुलाए हो इसीलिए, केक है उसने बहुत हेल्प किया, और अब चलो आओ सेलिब्रेट करते है ना यार बर्थडे है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि मेरा बर्थडे आज इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। बिल्कुल करूंगी यार, मैंने बोला था ना लास्ट टाइम भी कि हम लोग हमेशा एज अ फ्रेंड साथ रहेंगे हमेशा। नहीं आपसे बात तो होती रहती है, आप मुझे बात करते रहते हो, मेरे फ्रेंड बताते हैं आपके व्यूअर्स बहुत हैं, बहुत बिजी रहते हो, तो मैंने कहा यार मुझे कॉल कर रही है तो मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता बिजी रहती होगी, वो मुझे कुछ दिन में अगर कॉल कर भी लेती है दैट्स फाइन, अच्छी बात है। तो ओके तो अभी और भी हैं लोग, आप अकेले आए हो? मैं अकेले ही आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करना था ना तो मुझे लगा तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे अगर मैं एक दो दोस्तों को बुलाती, इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे इस बर्थडे को सेलिब्रेट। केक यहाँ से कट करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हिमांशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आपको खाना खुद पड़ेगा और आप मेरे को थोड़ा सा बता दो आपका। थैंक यू सो मच, मुझे भी तो खिला दो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बर्थडे तुम्हारा दिन है यार, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? केक बहुत टेस्टी है और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज आपने दे दिया मेरे को, एकदम उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे आज और मेरा बर्थडे। मेरे को थोड़ा सा हिंट मिल रहा था जब नितिन ने बोला रिट्स की कॉल है और वो बुला रही है आपको मिलने के लिए, तो मैंने उसे तीन बार पूछा आपने बताया तो नहीं आज मेरा बर्थडे है, कहता है नहीं मैं क्यों बताऊँगा मेरा बर्थडे, मैं तुम्हारा बर्थडे मेरे को खुद नहीं आया तो मैं क्यों बताऊँगा, तो मेरे को लगा मैं समझ तो गया था कि शायद उसने आपको कुछ चीज़ें बता दी है, बट एनीवेज थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे, और ये मेरे को क्या है मैं तो खाली बैठा रहता हूँ यार, मैं कुछ जा भी लेके रहता हूँ, वो आके छोड़ के गया मेरे को बोला अभी थोड़ी देर में आके लेके चला जाएगा उसको ऑफिस में अटेंडेंस ला। अब मैंने तुम्हें अभी तक जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ एक महीना हो गया वो वीडियो अपलोड किए, और एक महीने पहले हम मिले थे तब से मैंने तुम्हें इतना जान लिया कि तुम्हें ना टीवी पे आने का बहुत शौक है, यूट्यूब पे टीवी पे लाइक मतलब पॉपुलर होने का शौक नहीं रहता, और मुझे जब पता चला कि आप टीवी पे या कहीं इस तरह आप अपलोड करने वाले हो तो मेरे दोस्त ने बताया कुछ सब्सक्राइबर या कुछ लोगों ने देखे हैं मुझे, तो मेरे को लगा यार मेरे को लोग देख भी रहे हैं मैं लोगों को देख ही नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं और बाकी बस मोटिवेट रहना हमेशा, दोस्त तुम्हारे साथ है हमेशा और मैं तो हमेशा साथ हूँ एज अ फ्रेंड हमेशा। कुछ अच्छा जैसे मुझे लगा कि तुम्हें टीवी पे आने का या फिर मतलब इंटरनेट पे आने का बहुत ज़्यादा शौक है लाइक यूट्यूब और टीवी एंड फेसबुक पेज ये वो, तो मैं सोच रही थी कि एक छोटी सी वीडियो शूट की जाए। कैसे? तो लाइक क्योंकि ना एरिक आया, एरिक जो मेरा कैमरा ऑपरेट करता है वो सामने ही है, हम वोटा बर्गर में हैं तो सामने ही है वो। एरिक जी आपको नमस्ते, एरिक सामने है और वही वीडियो शूट करा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यूट्यूब पे छोटी सी वीडियो जाए तुम्हारे केक सेलिब्रेशन की? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप मेरा वीडियो अपलोड करोगे, मैंने आपको कितनी बार बोला मेरे को तो बहुत मन करता है कि मैं टीवी चैनल्स या इस तरह की चीज़ों में आऊँ। नहीं आपके उस वीडियो से ना बहुत लोगों को मैसेज मिला है कि होता है ना कि कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए उस वीडियो से और उन लोगों ने कमेंट्स भी किया कि मैम प्लीज़ इनके साथ जैसे तैसे एक वीडियो और बनाना, तो आपको शौक भी था तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो और शूट की जाए, आपका बर्थडे भी आ गया सबसे अच्छी बात। मैं बातें कर रहा हूँ ये शूट हो रहा है? हाँ ये शूट हो रहा है, सामने ही कैमरा लगा हुआ है और पब्लिक आपको देख रही है अभी। आप छोटा सा मैसेज देना चाहते हो? लाइव देख रही है पब्लिक बिल्कुल। छोटा सा मैसेज आप लोग देना चाहते हो जो पब्लिक को, बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी के टाइम में हमें? ओके
मैं पब्लिक को, मैं इतना बड़ा इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पब्लिक से ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि मुझ जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, ऐसे टाइम पे आके प्रॉब्लम्स आती है, तो प्लीज़ दोस्तों यार उनका साथ में छोड़ा करो, बहुत अकेले हो जाते हैं लाइफ में, रात भर बैठ के अपने आप से बातें करते हैं। और आपको ही पता है कुछ लोग होते हैं, माँ बाप को अगर मैं काउंट नहीं करूँ तो ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो शायद ऐसे लोगों के साथ रहना भी चाहेगा। मैंने आपको ये बात बताई और रिक्स जो है मेरे को ऑलरेडी इतने टाइम से बात कर रही हैं, एज अ फ्रेंड टच में है, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि प्लीज़ आपके आसपास के आपके जो फ्रेंड्स कोलीग जिनके साथ ऐसी सिचुएशंस हुई, तो प्लीज़ आप उनको अकेला मत फील कराइए, बहुत अकेले हो जाते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोग साथ वाले लोगों के साथ जिनके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो प्लीज़ उनको छोड़िए मत अकेला, बहुत अकेले, दिल से बहुत अकेले हो जाते हैं वो। शायद दुनिया के सामने वो हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपने आप से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऊपर वाले, मेरी भी कुछ गलतियाँ रही होंगी शायद लोगों ने। नहीं यार, आपकी कोई गलती नहीं। नहीं, आपको भी मैंने बताया था, तो शायद कुछ मेरी में कमियाँ या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी होंगी, बट ठीक है, अपने मन की नहीं होती तो ऊपर वाले की मन की होती है ना। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। और मुझे तो एकदम उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे आज कॉल करके इतना बढ़िया केक लेके, वो भी मेरे पसंद का केक आप मेरे को दोगे। रेड वेलवेट। चलो खाओ केक, खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा बंद कर दो। आई गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और इनकी जो बातें हैं ना यार, वो हमेशा मेरे ना दिल पे लगती है, तो आई होप आप लोगों के दिल पे जाके लगी होगी इनकी बातें। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेरी भी रिक्वेस्ट है, इनकी वीडियो को खूब आप लोग लाइक कीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।